प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अब इस बेजान खिलौने को छोड़ो और अपनी जान की फिक्र करो। कितनी देर से इसी में लगे हो? चलो खाना खा लेंगे। बच्चे स्कूल से आ गए क्या? वो भी आ जाएंगे। उनसे पहले कभी खाया है क्या? तो यूं कहो ना कि तुम भी बच्चों का इंतजार कर रहे हो। सच है, सूद मूर से ज्यादा प्यारा होता है। लो 3 बज गए, बच्चे तो आते ही होंगे, पर तुम तो खा लो, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हो। अरे पगली, इसे कहते हैं हैंडक्राफ्ट, हाथ से बना खिलौना। लो पूरा हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बना है। किसके लिए बना है? जो इसकी कदर कर सके उसके लिए है। क्या बात है, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ बुझे बुझे से रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जानती हो कमला, जब मैं जवान था और दफ्तर में ऐसे खिलौने बनाकर ले जाता था तो लोग मुझे हाथों हाथ ले लेते थे, पर अब तो ऐसा लगता है कि खुद ही बनाऊं और खुद ही खेलूं। लगता है रॉबिन और डेजी आ गए। ये पकड़ो ना। अच्छा बेटा। और दादी माँ, मुझे एक ग्लास पानी दे दो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। लाओ ये। और जल्दी से हाथ मुंह धो के कपड़े बदलो। दादाजी कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। ओ दादाजी, कितनी बार का है, हमारा इंतजार ना करेगा। हम लोग तो स्कूल में सैंडविच खा चुके हैं। चलो रोबिन। इनका तो पेट भर चुका, अब तो आप खाना खा लीजिए। पर तुम्हारा तो नहीं भरा ना। चलो आज तुम्हारे हिसाब से आओ। रॉबिन, डेजी, कहाँ तुम लोग? ओफो, सारे घर को कूड़ा खाना बना रखा है। लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं माता जी, आप तो रहने दीजिए, आपके हाथ पैरों में तकलीफ और बढ़ जाएगी। माता जी प्लीज, पिताजी से कहिए कि अगर उन्हें काश्तकारी वास्तकारी करनी है तो अपने कमरे में कर लिया करें, सारे घर में कूड़ा फैल जाता है। वो ये रॉबिन और डेजी कहाँ है? वो लोग अपने कमरे में टेप रिकॉर्डर पे गाना सुन रहे हैं। हे भगवान, ये घर है या अजैब घर? रॉबिन, डेजी, बहू तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, मैं भेजती हूं। बहू जी, इतना सारा सामान लेकर आई हो, घर में कोई दावत है क्या? जी हाँ, इनके फ्रेंड हैं मिस्टर मिसेज रोहित, अमेरिका से लौटे हैं, इन्होंने आज उन्हें खाने पे बुलाया है। मम्मी, आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया, एक घंटे से बुला रही हूँ। क्या कर रहे थे तुम लोग अपने कमरे में? अच्छा डेजी सुनो, आज पापा के दोस्त अमेरिका से रोहित अंकल आ रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। तो क्या हुआ, अपने घर में
रहते हैं। ये बुद्धू, वो अमेरिका रिटर्न है, फॉरेन रिटर्न, समझी? उनके सामने कोई स्टूपिड हरकत मत करना, समझे? लड़ना झगड़ना मत, बिल्कुल अंग्रेजी में बात करेंगे वो, ओके? ओके, चलो रोबिन। ओह, सारा काम पड़ा है, सब कुछ तो मुझे ही करना है। माता जी हटिए ना जरा एक मिनट, बहु परेशान क्यों होती हो, मुझे भी कुछ काम बता दो। में पड़ता है जिंजर, सोया सॉस, वो भी मैं लाई हूँ, विनेगर और लाओ बिटिया, मैं तुम्हारा हाथ बटा दूँ, अकेले सब काम करोगी तो थक जाओगी। नहीं नहीं माता जी, आप रहने दीजिए, मैं सब कर लूँगी। वैसे भी मैं ये चाइनीज खाना बना रही हूँ, अंग्रेजी खाना, वो तो आपको आता भी नहीं है ना बनाना। माता जी एक काम कीजिएगा, अगर आपको मेरी मदद ही करनी है ना, तो अपनी और बाबू जी की रोटियाँ बना लीजिएगा, क्योंकि शायद ये अंग्रेजी खाना तो आपको पसंद भी नहीं आएगा ना। नहीं नहीं बेटी, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी खा लेंगे, नहीं तो इनके लिए मैं रोटियां सेक लूंगी, तुम अपना काम निपटा लो। अच्छा बेटी, ये कौन लोग हैं जो अमेरिका से आने वाले हैं? माता जी मैंने आपको बताया ना, ये इनके फ्रेंड है मिस्टर एंड मिसेज रोहित, करोड़पति है, यहाँ आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उन्होंने इन्हें अपने साथ ले लिया तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। क्या सच? भगवान सब ठीक करेंगे बेटी। अच्छा मैं भी बाहर का कमरा साफ करके कपड़े बदल लेती हूँ। माता जी जरा डेजी को अंदर भेजिए। दादाजी दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम? अरे बेटा तुम तो अंग्रेज लग रहे हो। और मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी गुड़िया रानी, तुम तो राजकुमारी लग रही हो। लेकिन दादाजी आप ऐसे ही बैठे रहोगे? क्यों? पता नहीं, वो फॉरेन रिटर्न है। अच्छा, तो आप कपड़े नहीं बदलेंगे? अरे बेटा अब तुमने बदले हैं तो हम भी बदल लेंगे। अरे तेरे दादाजी भी कपड़े बदलेंगे और मैं भी कपड़े बदलूंगी। चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है? हाँ, चलो रवि। चलो जी अब तुम भी जल्दी से कपड़े बदल लो, वो लोग आते ही होंगे। क्यों भाई, इन कपड़ों में क्या खराबी है, बस बटन बंद कर लेते। ओहो, तुम तो बस। अरे भाई वो बता रही थी कि वो अजय के करोड़पति दोस्त हैं, ना अजय उन पे रोब जमा लेगा ना तो इसे भी करोड़ों का फायदा हो जाएगा। और हमें भी तो उनके सामने जाना पड़ेगा, ऐसे कपड़ों में उनके सामने जाएंगे तो बहू बेटे को अच्छा लगेगा। अच्छा बाबा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कपड़े बदल लेते हैं बस। ठीक है तुम कपड़े बदल लो, फिर मैं भी बाहर का कमरा साफ करके आती हूँ। रॉबिन से कहना कि बाहर फोन लगा दे बेडरूम वाला, अभी डैडी का फोन आने वाला होगा। अच्छा डैडी डैडी डैडी, मम्मी ने कहा उनके लिए कोई अच्छा कपड़ा निकाल के रख दो। अच्छा चल तू अलमारी खोल दे। हाँ आओ आओ। चल भाई, मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ सब तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ करीब करीब हो गई है, सुबह से तो लगी हुई हूँ मैं। अरे ग्रेट। अच्छा सुनो, वो डैडी मम्मी को कह दिया ना कि वो मेरे दोस्त के सामने ना आए? बड़ा अजीब लगेगा यार, भाई वो लोग एकदम मॉडर्न है। हाँ। तुम भी कमाल करते हो। अरे माँ बाप तुम्हारे हैं, ये बात तुम्हें कहना, मेरे बस का नहीं है। ओफो डार्लिंग, अब मैं तो उन लोगों के साथ आ रहा हूँ ना, मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा तुम एक काम करना, तुम मम्मी से कह देना, वो डैडी को समझा देंगी, राइट? हाँ हाँ कोशिश करूंगी। अच्छा सुनो, खाना चाइनीज ही है ना? अरे बाबा एकदम चाइनीज है। इम्प्रेशन डालना है। अच्छा ठीक है, फोन रखो ना, मेरा चिकन सूप जल रहा है। ओके बाबा ओके।
अच्छा सुनो, डैडी मम्मी को कह दिया ना कि वो मेरे दोस्त के सामने ना आए। अरे ये क्या, फोन लेकर क्यों खड़े हो? किसका फोन है? किसी को नहीं, मैं बस सोचने लगा था। तुम भी बस एक हो। अरे सोचना ही है तो फोन पकड़ कर सोचोगे क्या? तुमने तो कपड़े बदल लिए, अब चलकर बाहर बैठो, मुझे भी तैयार होना है। अजय किसी भी वक्त अपने दोस्त को लेकर आ। कमला। हाँ कहो। मैं अच्छा ये बताओ, ये वाली साड़ी कैसी रहेगी? अच्छी है ना? अच्छी है, लेकिन मैंने कुछ और ही सोचा है। कमला तुमने जो सोचा है ना बाद में बताना, पहले मैं कपड़े बदल लूं। चलो तुम बाहर जाओ। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। अच्छा बाबा बताओ क्या बात है? देखो कमला, मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों अजय के दोस्त के सामने ना जाएं तो कैसा रहे? सठिया गए हो क्या? कैसी कैसी बातें करते हो? बहू ने कुछ कहा? नहीं वैसी बात नहीं। देखो भाई, वो विदेश से आ रहे हैं और हम ठहरे पुराने बुड्ढे, नए तौर तरीके भी तो नहीं जानते ना। ऐसे में कुछ गड़बड़ हो गई तो अजय की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम भी कैसी कैसी बातें सोचते हो? अरे जब वो अपने दोस्त से तुम्हें मिलवाएगा ना तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। अब जाओ ना बाबा, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। वो तो मैं निकाल ही लूंगी। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लग जाए। तुमने बुलाया मुझे? माता जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो ना। वो माता जी, अभी अभी अजय का फोन आया था। अच्छा, ये सोच रहे थे, मैं भी कहना चाह रही थी कि। हाँ हाँ बेटी, खुलकर कहो ना, क्यों परेशान हो, तुम्हारी तबीयत तो। माता जी, आज वो जो अजय के दोस्त है ना जो खाने पे आ रहे हैं, वो अमेरिका रिटर्न है। तुमने बताया था बेटी, एकदम मॉडर्न है। अच्छा, अब ये अजय कह रहे थे कि आप और बाबूजी, बाबूजी और आप अगर अपने कमरे में ही रहे ना, उनके सामने ना पड़े तो अजय के लिए अच्छा होगा। बहू खुल कर कहो, बातों को लपेटो मत, कहना क्या चाहती हो? माता जी, आप बाबूजी को समझा दीजिए, क्योंकि मेरा समझाना तो बड़ा अजीब लगेगा ना, वैसे वो लोग 2 घंटे में चले जाएंगे। सजा दिया उसे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने अजय का फोन सुन लिया था? कम से कम मैं तो तुम्हारा सपना नहीं तोड़ सकता था। और वो उसने जो अभी कहा, वो कमजोर इस नई पीढ़ी के नए माहौल में अगर हम दोनों को तोड़ दिया तो। तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमारे रहने से हमारी संतान को नुकसान पहुंचता है तो लानत है हम पर, लानत है। हमारे बच्चे के भविष्य के बीच रुकावट तो नहीं बन सकते ना? आसो पूछो, मैं बुजदिल नहीं हूं, सिर्फ
सिर्फ अपने अहंकार को अपने बच्चे के भविष्य के आगे नहीं लाना चाहता, वरना कलह मच जाएगी इस घर में। लेकिन मैंने अजय के बारे में ऐसा नहीं सोचा। हाँ, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। सिर्फ समय के साथ साथ घुट घुट कर जीना सीखो, घुट घुट कर जीना सीखो, क्योंकि क्योंकि हमारा आज इन्हीं लोगों के हाथों पे। आइए रोहित, आइए। ये है मेरी मिसेज आरती और ये छोटा बेटा रॉबिन। डिजी कहाँ है? अब वो अंदर कमरे में, बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा भाभी, ये मेरी अर्धांगिनी यानी मिसेज रॉयल लक्ष्मी, और ये है मेरा बेटा अर्जुन। अर्जुन, ओह आई एम सॉरी, प्लीज आइए ना, प्लीज 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 आइए बेटा। ओ बेटा अर्जुन, बैठो बैठो भाई। एक बात बताओ रोहित भाई, तुमने सब नाम हिंदुस्तानी कैसे रखे, वो भी फॉरेन में रह के? अरे भैया, हम चाहे कितना भी विदेश में रहे मगर दिल तो है हिंदुस्तानी। अरे भाई साहब, हम 10 साल से अमेरिका में हैं, लेकिन ये एक दिन भी हिंदुस्तान को याद किए बिना खाना तक नहीं खाते थे। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? हाँ अजय भैया, दरअसल बात यह है कि आई लव इंडियन फूड, ये विदेशी खाना मुझे बिल्कुल जमता नहीं है, इसलिए जब भी घर पर खाना खाने बैठते तो हिंदुस्तान को याद करते ही थे। हाँ वेरी गुड, लेकिन भाई हमारी बीवी ने तो आप लोगों के लिए चाइनीज खाना तैयार कर रखा है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अरे सब चलेगा, बस बना प्यार से हो। मम्मी मम्मी, ओ माय डार्लिंग डॉटर, ये मेरी बेटी डेजी है। डेजी बेटे जाओ, अर्जुन को अपने कमरे में ले जाओ, जाके खेलो। हाँ, चलो चलो चलो, सब जाके खेलते। भाई अर्जुन बहुत ही प्यारा बच्चा है। अच्छा रोहित, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? एक आध पैक चलेगा ना? भाभी आप क्या लेंगी, कुछ वोडका जिन वगैरह? आरती मेरे ख्याल से तुम बियर ले लो। हाँ ओके। नहीं नहीं आरती, मैं नहीं, मैं तो ड्रिंक्स लेती ही नहीं। और ये हमने तो 12 साल पहले ही छोड़ दी थी भाई। अच्छा क्या बात कर रहे हो? रियली? जब हिंदुस्तान से बाहर गया था तभी मैंने कसम खाई थी कि विदेश को ओढ़ कर नहीं जीऊंगा। ये सच है कि मैंने पैसा कमाया है, लेकिन अजय ये सुनकर तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि अपना कल्चर, अपना जमीर मैंने नहीं गंवाया है। वाकई रोहित, तुम तो एक मिसाल हो भाई। ऐसा ही समझ लो। दरअसल फॉरेन जाते वक्त पिताजी ने कहा था कि बेटा जा तो रहे हो मगर एक बात का ध्यान रखना, हमारे रीति रिवाज और कल्चर वहां नहीं मिलेंगे, अगर उन्हें छोड़ना भी हो तो कम से कम उन्हें भूलना मत। ओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं आजकल? He is no more. मेरे फॉरेन जाने के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। इनका इतना मन था अपने पिताजी को अमेरिका बुलाने का, लेकिन अब क्या करें, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं। मैं खाने लगूं? हाँ, if you don't mind. Of course, भाभी खाना तो जरूर खाएंगे, लेकिन अच्छा कम से कम पहले अपना घर तो दिखा। Oh, I'm sorry. चलिए ना, आइए। आप घर दिखाइए, मैं खाना लगाती हूँ। Okay, आइए please. कहाँ जा रही? रसोई में। और क्यों? बहू ने अंग्रेजी खाना बनाया है, मुझे तुम्हारे अपने लिए रोटियां सेकनी है। अगर मुझे अभी भूख नहीं है? मुझे पता है तुम्हें भूख क्यों नहीं है। देखो तुम बैठ जाओ, बेकार बाहर जाकर कलह का कारण मत बनो, जब वो लोग चले जाएं तब बना लेना। तब तक तुम भूखे रहोगे? अरे एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। कहा ना, जब वो लोग चले जाएं तब जाकर बना लेना, अभी बैठो यहीं। देखो जी, अब तुम मुझे मत रोको,
हर चीज की कोई हद होती है। अगर बहू ने अपने पति का भविष्य बनाने के लिए हमें यहाँ रहने को कहा है तो मेरा भी तो अपने पति के लिए कोई कर्तव्य होता है। उसके पति को अपना भविष्य बनाना है और तुम्हारे पति का भविष्य, देखो जब वो लोग चले जाए तब बना लेना। और वैसे भी मैं सच कह रहा हूँ, मेरी भूख मर चुकी है कमला। तुम भूख की बात कर रहे हो, ऐसी औलाद हो तो जीने की इच्छा भी मर जाती है। खबरदार कमला, फिर कभी कोई ऐसी अशुभ बात की तो सब ठीक हो जाएगा। धीरज धरो, जो भी है तो अपना खून ही। हाँ हाँ, सफेद खून। My credit goes to my wife. I'm sorry, Rohit. ये मेरे मम्मी डैडी हैं। मैं इन्हें तो भूल ही गया था। अरे कमाल है, मम्मी डैडी को भूल गए थे? नमस्ते, मैं रोहित हूँ। नमस्ते, प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अजय, एक ही घर में रहते हो तुम, अपने मम्मी डैडी को भूल गए? मैं तो फॉरेन में रहते हुए उनको हर घड़ी याद करता हूँ ना। एनीवे, मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। लेकिन आप लोग यहाँ अंदर क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं आते? नहीं, बस यूं ही, बस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं डैडी, हम फॉरेन के जरूर हैं मगर दिल से हैं खालिश हिंदुस्तानी। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम भी बस आने ही लगे थे कि। अरे मम्मी कहाँ चली आप, चलिए साथ में खाना खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इनको जरा अंग्रेजी खाना। नहीं नहीं, मैं सब खा लूंगा, मैं सब खा लूंगा मैं। ओ, अब समझा। क्या? यही कि आपको भी चपाती पसंद है। ठीक है, तो हम भी वही खाएंगे जो आपको पसंद है। लक्ष्मी, हमारी मनपसंद का खाना बनाएंगी मम्मी, क्यों? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नहीं नहीं मम्मी, इन्हें भी वाकई हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है। और मैं नहीं समझता कि अजय को कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्यों अजय? हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फिर डैडी आइए, चलिए ड्राइंग रूम में। माँ के हाथ के बने खाने में जो मजा है वो दुनिया के किसी भी खाने में नहीं है, क्यों अजय? हाँ। अरे बस बस मम्मी, अगर आप ऐसे खिलाती रहीं तो मैं हर रोज खाना खाने इधर आ जाया करूंगा। तो आ जाया करो बेटा, तुम्हारा अपना ही तो घर है। लेकिन माँ जी, आप भी तो आइए ना हमारे साथ। नहीं नहीं बेटी, मैं मंदिर में दिया जलाने के बाद ही खाना खाती हूँ। ओह वेरी गुड लक्ष्मी, दैट्स लाइक एन इंडियन वुमन। मम्मी आपका मंदिर किधर है? ऊपर है ना बेटा, कमरे में। अच्छा अच्छा, दरअसल हमने भी एक मंदिर बनाया है अपने घर में। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि आप और डैडी दोनों घर पे आए और मंदिर का उद्घाटन करें। अरे कम से कम देख तो लें। हाँ हाँ बेटे, हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आएंगे नहीं बल्कि आप हमारे साथ चलेंगे, क्यों लक्ष्मी? क्या मतलब? मतलब ये कि खाने के बाद आप फौरन हमारे साथ हमारे घर चलिएगा, सुबह वापस आ जाइएगा, क्यों अजय? Do you have any objection? नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, इनकी मर्जी है भाई। बेटे ऐसा करते हैं कि हम फिर कभी आ जाएंगे। हाँ लेकिन अभी क्यों नहीं, चलिए ना प्लीज। ठीक है, इतना कह रहे हैं तो फिर चले जाइए ना। तो फिर ठीक है, चलते हैं। तो ये हुए ना बात। माता जी, आप फटाफट दिया करके फौरन खाना खा लीजिए और फिर चलिए हमारे घर, हमारे मंदिर का दिया जलाने। अरे यू डोंट वरी, कल सवेरे मैं खुद इनको यहाँ छोड़ जाऊंगा। ओके ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके शायद मंदिर लगा ही नहीं।
खराब हो गया है ना। क्या मतलब? माँ और पिताजी जिस घर में आ जाएं, वो घर क्या मंदिर से कम होता है? भगवान तुम्हारे जैसा बेटा हर माँ बाप को दे। लेकिन अजय जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे। पिताजी, मैंने माँ बाप के बिछड़ने का दुख झेला है। आदमी को किसी भी चीज की कदर तब होती है जब वो चीज उससे बिछड़ जाती है। अजय के घर में मैंने आप लोगों की जो हालत देखी है। बेटा, आंखों का दिखा हमेशा सच नहीं होता है, लेकिन एहसास तो दूर रहकर भी हो सकता है ना। अगर वो मर जाए तो। तू कहना क्या चाहती हो बेटा? माँ जी, हमेशा से मेरा ये अरमान रहा है कि मेरे सर पर माँ बाप का साया हो। आप दोनों को देखकर मुझे उसमें माँ बाप का रूप दिखाए। अजय के घर में आप लोगों की जो हालत है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ मेरे घर में आकर रहें। बेटा, आज की इस दुनिया में साथ रहने के पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण ही शायद हमें और अजय को भी साथ रखे हुए है। कहीं तुम्हारे इस भावनात्मक रूप का कारण दया तो नहीं? अगर ऐसा होता तो आप लोगों को यहाँ लाकर मैं ये सब नहीं कहता। हमारी भावनाओं को लालच मत समझिए। पिताजी, हमारे पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि किसी बड़े का साया हम पर होता तो हम लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते। मैं समझ रही हूँ बेटा जो तुम कहना चाहते हो। माँ बाप की कमी और बुजुर्गों की जरूरत वही इंसान महसूस कर सकता है जो इनसे महरूम रह चुका हो। हम वहां दुखी नहीं हैं, लेकिन शायद हम वक्त के साथ चल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से आज की पीढ़ी हमें नाकारा समझ रही हो। ऐसा नहीं है माँ जी, आप यहाँ आइए, अब महसूस करेंगी कि। हाँ, वो तो तुम्हारे व्यवहार से ही पता चल रहा है बेटा। हमें कुछ सोचने का वक्त दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो फिर आप यहाँ आएंगे ना? जरूर आएंगे बेटा, लेकिन आज तुम हमें जाने दो, वरना अजय और बहू दोनों परेशान हो जाएंगे। हाँ, सुबह सुबह दूध लाने में अजय को परेशानी होगी, और फिर बच्चे भी तो हमारे बिना खाना नहीं खाते। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आप लोगों को कल छोड़ाऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार फिर सोचिए, शायद आप लोगों के दिल में हमारे लिए दया आ जाए। अर्जुन, चलो बेटे, दादा दादी को आराम करने दो। हरगिज नहीं। क्यों बेटे? क्योंकि मैं दादा दादी कहानी सुनाए बिना नहीं सो सकता। सही कहा बेटे, बिल्कुल सही कहा। तो चले हम, तो हम लोग कहानी चुनेंगे, हम चुनाएंगे, आप चुनेंगे। हाँ, चलो आइए। अर्जुन सो गया? हाँ, उसी को सुला के आ रही हूँ। वाकई बहुत खुश है दादा दादी के आने से। अच्छा, लक्ष्मी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर इतने अच्छे लोगों का साया हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आती रोहित, वो लोग हमारे साथ रहना क्यों नहीं चाहते, जबकि हम और वो सब जानते हैं कि अजय और उसकी वाइफ कैसा बिहेव करते हैं उनके साथ। लक्ष्मी, इसी का नाम तो प्यार और उनकी खुददारी है। ये लोग इतना प्यार अपनी झोली में समेटे हुए हैं कि अजय भी नहीं समझ सकेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर इनको यहां ले आऊंगा, मगर मैं उनके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता क्योंकि उनके अहंकार को ठेस पहुंच सकती है। खैर, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। हेलो अंकल। हेलो बेटे। दादी, बेटे मम्मी कहाँ है? मम्मी वो तो किसी सहेली के पास गई है। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अभी नहीं, आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे आप लोगों की हर शर्त मंजूर है, आप लोग जब चाहे मेरे घर आ सकते हैं। बेटा, हमें शर्मिंदा मत करो, हमें जब महसूस होगा हम खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ चले आएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छी बात, मुझे एक मीटिंग में पहुँचना है। अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ जी, जीते रहो बेटा, आते रहना। जरूर, नमस्ते।
कितना अच्छा बच्चा है, वाकई दिल से दुआ निकलती है। भगवान सभी को ऐसे बच्चे दे। बेटा तुमने कुछ खाया? मैंने तो नूडल्स खा लिए, मम्मी ने कुछ आपके लिए बना के रखा होगा, देख लो मैं तो बाहर खेलने जा रही हूँ। बेटा मम्मी कहाँ गई है? पता नहीं, अब आप आ गए ना, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। अरे सुनो तो, बड़ी शरारती है। अच्छा तुम चलो बैठो, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। हाँ मगर कुछ हल्का सा, रोहित क्या इतना सारा कुछ खा लिया है, कहीं पेट गड़बड़ ना हो जाए। पता है पता है, देखूं तो बहू क्या क्या बना कर गई है। हाँ देख। ये खाना बनाकर गई है हमारे लिए। ले आई खाने को? अब तुम एक काम करो, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। तो इसका मतलब बहू ने खाना नहीं बनाया? तो क्या हुआ, मैं हूं ना, अभी ताजा खाना बना देती। अरे काय को फिकर करती हो, जब तुम बासी रोटी खा सकती हो तो क्या मैं नहीं खा सकता हूँ? कुछ भी कहो, बासी रोटी बुरी नहीं है। नहीं नहीं तुम इसे नहीं खाओगे। क्यों भाई, अरे इसमें हल्दी क्या है? नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे समझा करो बात को, तुम थक गई हो, आराम करो। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो कोई बात है। बहू बहू, उनके पेट में बहुत जोर से दर्द उठ रहा है, मैं दो डॉक्टरों को फोन कर चुकी हूँ, कोई भी नहीं मिला। पर माँ जी इस समय तो सब लंच पे गए होंगे, कौन सा डॉक्टर मिलेगा? आप एक काम कीजिए, पिताजी को एक टाइम का खाना स्किप कराइए। बेटी उन्होंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, शायद बासी रोटियों की। किसने कहा था कि बासी रोटियां खाएं? देखो देखो बेटी, मैं तुमसे इस सब कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, कुछ दवा का इंतजाम करो, वो तर से तड़प रहे हैं। वो चलिए चलिए आइए। क्या हुआ पिताजी, कहाँ दर्द हो रहा है? लगता है पेट में गांठ सी पड़ गई है, रह रहे ठीक सी उठती है। तुमने बहू को क्यों तकलीफ दी है? माँ जी आप तो ऐसे घबरा रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, इतना तो दिख भी नहीं आया जितना आप कह रही थी। देखिए पिताजी, अगर आप दो तीन घंटे काट सकते हैं तो मैं डॉक्टर मलिक से किटी से लौटते वक्त दवा ले आऊंगी, वरना मुझे अपनी किटी कैंसिल करनी पड़ेगी। तुम जाओ, मैं खुद ही फोन करूंगा डॉक्टर मलिक को, एक आध घंटे में तो वापस लौट जाएगा। लेकिन तुम चुप रहो, तुम जाओ। ओके। देखिए मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के नंबर छोड़ के जा रही हूँ, वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ठीक है बहू सुन तो, देखिए आप तो खामोखा घबरा रही हैं। अरे वो डॉक्टर मनी को खुद फोन कर लेंगे ना, टेक इट इजी। सच बताओ क्या सच में तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहू का बर्ताव देखकर और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे खुद ही झेल लूं। ये तो सोचो, घर में कोई भी नहीं है, हम क्या करेंगे? क्यों सारी जिंदगी मेरे साथ छेला है, इतना सा दर्द बांट नहीं सकती तुम। तुम ठहरो, मैं तवे पर कपड़ा गर्म करके तुम्हें सेक करती हूँ, शायद तुम्हें आराम मिले।